वैसे तो कोई भी मशीन या यंत्र जिसे वेदर डिटेक्टर भी कहते हैं मौसम का अनुमान सही नहीं बता सकते, क्योंकि मौसम कुदरती ढंग से कब कैसे बदल जाए ये किसी को खबर नहीं। मौसम के मिजाज को समझना आसान ही नहीं है बल्कि बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मौसम में बदलाव आना या कुदरती आपदाएं आना या फिर सर्दी गर्मी का अनुमान लगाना वगैरह, इन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन वेदर डिटेक्टर सुपर कंप्यूटर भी बनाए गए हैं जो कि मौसम की स्थिति व आंकड़ों के बारे में बताते हैं। ऐसे में कंप्यूटर की सहायता में बहुत मददगार साबित होते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट जो कि मौसम की स्थिति का अनुमान लगा कर बता देते हैं कि अगले पल मौसम कैसा रहेगा। लेकिन AI भी अब आपको मौसम का हाल बता सकता है। हालांकि ये AI अपने अलग पैटर्न से काम करता है। गूगल फीचर में एक न्यू टूल क्रिएट किया गया है जो कि मौसम का अनुमान लगाने वाली मशीनों और यंत्रों को पीछे छोड़ चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बेहद ही तेज होने की वजह से चीज़ों को बहुत गहराई से समझकर उन पर काम करता है और सटीक भी है। ये एक छोटी सी मशीन के जरिए ही जल्द ही मौसम का हाल जो है वो भाप लेता है। जैसे कि अगर सुपर कंप्यूटर या वेदर डिटेक्टर कह ले जो कि एक घंटे में मौसम का अनुमान लगाकर बता सकते हैं, उसके मुकाबले AI एक ही मिनट में मौसम की स्थिति बता सकता है। ग्राफकास्ट के नाम के एक नए टूल की वजह से जिसने लीक तूफान की जानकारी दे दी थी जो कि अमेरिका और कनाडा में सितंबर के महीने में आया था, और पारंपरिक फोरकास्ट के जरिए इसकी जानकारी 6 दिन पहले मिली थी जबकि AI के जरिए इसकी जानकारी 9 दिन पहले मिली थी, जिससे लोगों को तूफान से निपटने के लिए ज्यादा वक्त मिला था। हालांकि AI मौसम की जानकारी जुटाने के परंपरागत तरीकों की जगह नहीं ले पाएगा क्योंकि जिस डेटा की मदद से AI जानकारी जुटाता है वो इन्हीं पारंपरिक तरीकों की मदद से जमा किया जाता है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहे अर्थ प्रकाश टीम के साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।